बिना तलाक रख सकते हैं दूसरी पत्नी, किस तरीके से रख सकते हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ऐसे सवाल है जो बार बार मेरे पास में आते रहते हैं। तो इन सभी सवालों के जो अभी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं, विद जजमेंट बताऊंगा कि ये कौन सा जजमेंट है जिसके अंदर परमिशन मिली है कि बिना डाइवोर्स के आप दूसरी पत्नी रख सकते हैं, तो किस तरीके से रख सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, कहीं से भी स्किप नहीं करना होगा। और पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि सर हम बिना डाइवोर्स के दूसरी पत्नी कैसे रख सकते हैं। मामला इस तरीके से है कि पत्नी क्या करती है कि पति, दो बच्चे, बूढ़े सास ससुर, इन सभी को छोड़कर मायके चली जाती है, पति से है जो अलग हो जाती है। अब पति के द्वारा उस पत्नी को लाने के लिए तमाम कोशिश की जाती है कि यहाँ पे अपने बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो, बच्चों की देखभाल करो, मेरे साथ में रहो, पर पत्नी है जो आती नहीं है तमाम पति की कोशिश करने के बाद में भी। तो यहाँ पे पति के पास में जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो पति का कॉन्टैक्ट एक वीडो महिला से होता है जिसके दो बच्चे होते हैं। फिर इस मामले के अकॉर्डिंग जो पति है और वो वीडो महिला है, दोनों क्या करते हैं, साथ में रहने की सहमति बनाते हैं, और दोनों के बीच में ये शर्तें होती है कि वीडो महिला के दो बच्चे हैं, दो बच्चे यहाँ पे उस पति के पास में होते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, ये सभी क्या है कि साथ में रहना चाहते हैं। साथ में रहने की ये शर्तें हो जाती है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं चारों, उनका पालन पोषण भी हो जाएगा, साथ में बूढ़े माँ बाप हैं उनका भी देखभाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साथ में रहने लगते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली पत्नी है, यानी कि जो पति को छोड़ के जो पत्नी गई थी, पति ने यहाँ पे कोशिश की थी उसको लाने के लिए, फिर भी वो नहीं आई, तो वो पत्नी क्या करती है, उसको जो पता चलता है कि उस पति के ऊपर एक केस फाइल करती है कि यहाँ पे मेरा पति है जो बिना डाइवोर्स के किसी अन्य औरत के साथ में रह रहा है, उससे वो शादी वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा उस मामले को गहराई से देखा जाता है, ये पाया जाता है इस मामले के अंदर कोर्ट ने ये देखा कि पति और उस वीडो महिला का जो इंटेंशन है जो बिल्कुल सही है। इंटेंशन इस आधार से सही है कि दोनों ने एक जिम्मेदारियां निभाई है, दोनों के कुल मिला के चार बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो यहाँ पे इन सभी की ये देखभाल कर रहे हैं, इस वजह से दोनों को साथ में रहना पड़ा, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। और जो पहली वाली पत्नी है वो छोड़ के चली गई थी, वो आई नहीं, यहाँ पे पति ने तमाम कोशिश की, तो यहाँ पे पति के पास में कोई रास्ता था नहीं। तो यहाँ पे पत्नी जो आरोप लगा रही है कि बिना डाइवोर्स के शादी कर लिए हैं, तो यहाँ पे ये शादी नहीं किए हैं, ये दोनों है जो साथ में रह रहे हैं और ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिम्मेदारियों के तौर पर दोनों है जो साथ में रह रहे हैं, तो इसको कोर्ट ने सही माना। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि अगर इंटेंशन सही है, इंटेंशन यानी कि इरादा अगर सही है, तो बिना डाइवोर्स के किसी के साथ में लिव इन के अंदर रहा जा सकता है। अगर इंटेंशन गलत है, उसके बाद में अगर रहा जाता है तो वो गलत पाया जाएगा, पर इंटेंशन के आधार पे अगर रहते हैं तो वो सही माना जाता है। यहाँ पे बिना डाइवोर्स के शादी नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पे इस तरीके से साथ में रह सकते हैं मामले के अकॉर्डिंग। तो ये मामला क्या है, इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आपके केस से अगर मिलता है तो जजमेंट को यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।